हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा मौजू है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, इसके क्या असबाब है और इसके क्या मुज़िर असरात है, बैड इफ़ेक्ट्स। तो नॉइज से जो पोल्यूशन होता है, जिसका असर इंसानों की दिल दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि साउंड जो है इसके वजह से पोल्यूशन होता है, और वैसे भी जो कायदा कुलिया है, जो तरीका है, जो आदाब है, जो इटिकेट है, हमें ये सिखाया गया है कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। ऊंची आवाज़ में बात करना जो है एक बेकायदा और अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। तो इसीलिए कायदा यही है कि एक माने इत्तेदाल आवाज़ में हमें बातचीत करनी चाहिए, ना खूब आहिस्ता बात करना चाहिए और ना ही बुलंद आवाज़ में बात करनी चाहिए। बुलंद आवाज़ से बात करने से लोग जो उसको बुरा समझते हैं कि लड़का जो है कायदा तरबियत याफ्ता नहीं है, इसके अंदर कायदा नहीं, इस बातचीत करने का सलीका नहीं सीखा है, इसे जो बेकायदगी समझी जाती है। तो ये तो हुआ इसका इखलाकी पहलू। इसका जो है मैंने साइंटिफिक जो पहलू किया है कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या बुरे असरात होते हैं, आखिर क्यों जो है आजकल जो है नॉइज़ पोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चल रही है। तो इसका हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे पहले कि इसका असबाब क्या, नॉइज़ पोल्यूशन होता किससे है। तो नॉइज़ पोल्यूशन का सबसे पहला जो मेन जो कॉज है वो है व्हीकुलर साउंड्स। नॉइज पोल्यूशन का या आवाज़ की आलूदगी का पहला जो सबब है वो है माने जो मोटरसाइकिल्स है, मोटर गाड़ियाँ हैं, इससे जो आवाज़ें पैदा होती हैं वो जो है इसका सबसे बड़ा मेन पहलू है, मेन कॉज है। तो जैसे है रेलगाड़ियाँ हुआ, हवाई जहाज़ हुआ, आपका सड़कों पर चलने वाली मोटर बाइक्स है, कार है, इससे जो आवाज़ पैदा होती है वो जो है नॉइस पोल्यूशन का सबब बनती है। सबसे पहले एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि साउंड का इकाई क्या है या नॉइस का क्या इकाई, इसका कैसे मेज़रमेंट करते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है या आवाज़ बहुत कम है। इसको मेज़रमेंट करने का इसका जो मेज़रिंग यूनिट है, जिस यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं डेसीबेल, DECIBEL, डेसीबेल, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका डीबी, डेसीबेल, ये इसकी यूनिट है। अच्छा, 65 डेसीबेल तक का जो आवाज़ का जो वॉल्यूम है, इसको जो है माने क्या क्या इसको जो है सेफ और एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल कहते हैं, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल। मतलब 65 डेसीबल तक साउंड किसी चीज़ की जो आवाज़ है वो सेफ नॉइज लेवल है। माने इस लेवल तक अगर कोई साउंड निकलता है, किसी जगह से कोई साउंड इमिट होता है, तो उसका जो है हमारे जहन दिल दिमाग पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता है। 65 डेसिबल ये सेफ नॉइज लेवल है, लेकिन 80 के अबव जो नॉइज लेवल है, 80 डीसीबी, ठीक है, इसके ऊपर ग्रेटर देन 80 डेसिबल डीबी जो नॉइज़ लेवल है ये हार्मफुल है। इसके ऊपर जाने से जो है क्या होता है, माने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड माइंड जो है पड़ता है। तो
सबसे पहले हमने ये जाना कि साउंड की इकाई क्या है, डेसिबल। 65 डेसिबल जो है सेफ या एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल है, और 80 से ऊपर अगर चला जाता है तो वो नॉइज लेवल जो है वो हार्मफुल हो जाता है, इसका फिर बुरे असरात पड़ते हैं। तो ये हुआ आपका पहले नॉइज लेवल के बारे में। तो हमने देखा कि जो व्हीकल्स, जो ट्रैफिक जो है, वो जो है सबसे मेन वजह जो है आपका ट्रैफिक कॉज जो है, मेन कॉज है आपका नॉइज पोल्यूशन का। तो सड़कों पर जितनी गाड़ियां चलती हैं, ये तमाम के तमाम जो है इससे जो भी साउंड निकलता है वो जो है इसका नॉइज लेवल का आपका सॉरी नॉइज पोल्यूशन का सबब है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि ये आपका एरोप्लेन, एरोप्लेन, ट्रेन और जो है मोटर 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 व्हीकल्स, ठीक है। तो एरोप्लेन का सबसे ज़्यादा जो है 120 डीसीबी, इस लेवल तक जो है इसकी आवाज़ निकलती है। ट्रेन से 110 डेसिबल तक जो है आवाज़ निकलती है, और मोटर व्हीकल से जो है 100 डेसिबल तक जो आवाज़ निकलती है। अब आप समझ सकते हैं कि मेन जो आपका जो नॉइस पोल्यूशन का जो कॉज हुआ वो आपका एरोप्लेन है, ट्रेन है, मोटर व्हीकल से, क्योंकि ये जो है जो 80 डेसिबल से भी ज़्यादा माने इसका जो वॉल्यूम होता है, साउंड का वॉल्यूम होता है, तो इतना तेज़ जो है शार्प नॉइज, शार्प साउंड की वजह से क्या होता है, हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। दूसरा सबब क्या है, दूसरा सबब है आपका म्यूजिकल साउंड बॉक्स, म्यूजिकल साउंड बॉक्स, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार होते हैं, त्यौहार के मौके से लोग रास्तों में, गली कुचियों में जो है साउंड बॉक्स प्ले करते हैं, या किसी टीम के शानदार फतह पर भी जो है साउंड बॉक्स जो है प्ले करते हैं। अब यहाँ तक कि डीजे बॉक्स भी जो है बजता है। अब उस वक्त डीजे जो बॉक्स बजता है उसका जो वॉल्यूम जो होता है बहुत जो है तेज होता है, और इसके वजह से क्या होता है, साउंड का पोल्यूशन होता है या नॉइस पोल्यूशन होता है। तो हमारे यहाँ जो म्यूजिकल साउंड बॉक्सेस से जो आवाज़ें निकलती है वो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, इससे क्या होता है आपका नॉइस पोल्यूशन होता है। इसके अलावा क्या हुआ, इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में से भी जो है सायरन बजता है, तो इससे जो सायरन जो बजता है इससे भी जो आवाज़ निकलती है वो भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन का जो है सबब बनती है। तो ये हुआ आपका नॉइज़ पोल्यूशन के असबाब। अब हम लोग देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या इसके बुरे असरात होते हैं। तो आप तो खुद समझ सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन का क्या क्या बुरे असरात है। सबसे पहले इसका जो मेन इफेक्ट जो पड़ता है ये ह्यूमन ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स, सबसे पहले इसका असर जो है कान के ऊपर पड़ता है। तो कान के ऊपर पड़ता है, तेज आवाज़ अगर खूब होने से क्या होता है, माने हमारे कान का जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम, या जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के फट जाने का जो है डर रहता है। अगर खूब तेज आवाज़ अगर निकलेगी कहीं से भी तो कान का पर्दा फट सकता है, इंसान बहरा हो सकता है, डेफ हो जाएगा, DEF, डेफ। तो डेफनेस की बीमारी जो है हो सकती है, कान का पर्दा फट जाएगा और जो है आपका डेफनेस हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। तो एक तो हुआ आपका कान के ऊपर जो इसका पड़ता है, दूसरा है ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, दिल के आप ऊपर भी जो है बहुत इसका बुरा असर पड़ता है, तेज आवाज़ की वजह से या नॉइज पोल्यूशन की आवाज़ से। इसमें क्या होता है, हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तेज साउंड से, हार्ट अटैक हो जाते हैं बहुत सारे कमजोर लोगों को, हार्ट अटैक। जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो ज़ईफ होते हैं, जो मैंने उम्रदराज लोग होते हैं, उसके ऊपर भी जिसका असर पड़ता है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, उससे जो है मर जाते हैं। तो हमारे कान के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर जिसका बुरा असर पड़ता है, इसी तरह से हमारे ब्रेन पर भी असर पड़ता है, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है, निज़ाम एसाब है, इस ये जो बुरी तरह से मुतासिर होता है, दिमाग में जो झंझनाहट पैदा हो जाता है, तो जहन ब्रेन के ऊपर भी जो इसका असर पड़ता है। अच्छा, इसलिए ये तो हुआ ह्यूमन के ऊपर, जो है बहुत सारे जानवरों पर भी जो है बुरा असर पड़ता है, परिंदों के ऊपर असर पड़ता है, परिंदे जो है इधर माने इधर उधर भाग जाते हैं, और ख़ास करके तो जो एयरपोर्ट के गिर्द पेश में जो लोग मकान बनाकर जो रहते हैं, वहाँ पर तो हवाई जहाज़ के आपका माने टेक ऑफ लेने से या जब माने लैंड करने वक्त, उस वक्त जो आवाज़ होती है उसका जो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये हुआ आपका इफेक्ट्स। अच्छा, परिंदों को अंडे देने में भी दुश्वारी होती है, परिंदों को अंडे देने में भी दुश्वारी होती है। तो ये था आपका इफेक्ट्स के बारे में। तो हमने कॉटेज में देख लिया कि नॉइज पोल्यूशन जो है मेनली आम तौर पर जो उमूमी तौर पर जो है सड़कों पर चलने वाली जो है मोटर गाड़ियों की वजह से जो इसका असर होता है, ट्रेन, रेल, बसेस और आपका जो है हवाई जहाज़ से जो आवाज़ें पैदा उससे होता है, ठीक है, और जो है म्यूजिकल साउंड बॉक्सेस की वजह से भी बजने से भी होता है। अच्छा, त्योहारों में जो है कभी कभी जो है माने फायर क्रैकर्स के बस्ट करने से भी जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है। हमारे यहाँ हिंदुओं में जो है ना दिवाली का एक त्यौहार होता है, उस दिन जो है रात भर जो है ना बम पड़ाका जो फूटते रहता है, इससे भी जो है ना साउंड पॉल्यूशन उस दिन तो बढ़ ही जाता है, नॉइज पॉल्यूशन के साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। खुशियों के तौर खुशी को मौका पर, शादी को मौका पर भी लोग जो है बम पड़ाका जो फोड़ते हैं, इससे क्या होता है, साउंड जो है पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ का पॉल्यूशन होता है। आज क्या हमने असरात देख लिया, कानों पर असर पड़ता है, कान पर्दा फट सकता है, बहरा हो सकता है आदमी, हार्ट पर बुरा असर पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ तो बहुत से जो ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग होते हैं वो तो जो है हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं, दिमाग पर असर पड़ता है, हमारा निज़ाम एसाब जो गड़बड़ा जाता है, दिमाग में झंझनाहट जो है पैदा होती है, परिंदों पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये था नॉइस पॉल्यूशन, उसके असबाब और असरात के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।